Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Faizan and people are watching Talim Tech YouTube channel. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैं एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, और आज मैं वो प्रोडक्ट इंशाल्लाह ताला डिस्क्लोज करूँगा थोड़ी देर के अंदर। इनफिनिक्स का नोट 11 फ़ोन है जो हम इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करेंगे। इस फ़ोन को बेसिकली स्पॉन्सर किया है वन मोबाइल्स ने, जिनकी शॉप की लोकेशन जो है वो माल्टन है। यहाँ पे रिजवान भाई होंगे और रिजवान भाई की वजह से हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिजवान भाई, आप ही की बदौलत ये पॉसिबल हुआ है। एंड फर्दर मोर उनकी दुकान के जो लोकेशन है और गूगल मैप की जो लोकेशन है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी जाएगी, आप लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खुसन गुजरांवाला के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इनके पास इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल भी अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को आगे लेके चलते हैं और प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी है और प्रोडक्ट को हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके जो ऊपर रैप है इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद क्योंकि ये मेरी इस चैनल के ऊपर पहली अनबॉक्सिंग है और इंशाल्लाह होपफुली आगे चल के देखें चीज़ों के अंदर कैसे। खैर, हमारे पास आ चुका है नॉट 11 का बॉक्स। बॉक्स को मेरे ख्याल से ये इसकी ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें सबसे पहले मिल जाता है मोबाइल जिसके ऊपर एक रैप है। हमेशा की तरह इन्फिनिक्स के नोट सीरीज़ के बाकी फ़ोन भी अगर आप लोगों ने परचेज़ किए हैं, जो वॉचर्स हैं उनको पता होगा कि इसके ऊपर आता है, जिसके ऊपर साथ ही हमें इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। इन चीज़ों को जाके हम आगे डिस्क्लोज़ करेंगे। खैर, इसको अनरैप करते हैं तो अनरैप करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से फ़ोन आ जाता है। फ़ोन जो है ये ब्लैक कलर में है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, डब्बे में और क्या चीज़ें हैं वो आगे जाके हम ऑब्जर्व करते हैं। ये इन्फिनिक्स का कस्टमर सर्विस कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसको अगर ओपन करें तो इसमें हमें मिल जाता है साथ ही एक पाउच नाओ का इन्फिनिक्स, जो कि एक जिसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। आगे चल के इसमें हमें मिलता है इन्फिनिक्स का वारंटी कार्ड, डिवाइस वेरिफिकेशन, विन फ्री आईफोन्स एंड सॉरी विन फ्री फोन्स, अभी कहूँ आईफोन क्यों, खैर ये तो ब्लूपर हो गया। चलें, इसके साथ में मिलता है एक फेक डॉलर का बिल। ये सारी चीज़ें ज़रा साइड पर रख देते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है जो कस्टमर डिमांड होती है बुनियादी तौर पे, हर जो एक जनरल यूज़र होता है, जो एंड यूज़र की मैं बात नहीं कर रहा, जो एक जनरल यूज़र है जिसने कॉल शॉल सुननी है और फ़ोन आगे मतलब मज़ीद इस्तेमाल में लाना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इन्फिनिक्स का एक 33 वॉट का चार्जर जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट में हमें एक इजेक्टर पिन मिल जाती है और एक टाइप सी केबल। अच्छा, फ़ोन की अगर डिज़ाइन की बात करें ना, तो फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है, ये फ़ोन की जो बॉडी है ये टोटल प्लास्टिक है, बैक पे भी और साइड पे भी, जिसको अक्सर लोग जो है हड्डी के नाम से भी कहते हैं। खैर, ये टोटल प्लास्टिक है। इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इतना ना ही स्लीकी है, लेकिन एक मैटी लुक है जो कि अगर कोई बंदा इसको यूज़ करे या पकड़े, तो विदाउट पाउच भी अगर आप इसको यूज़ करें तो आपको एक बड़ी प्रीमियम सी इसकी फील आती है। इसके साथ हम इसको अभी प्रॉपर ऑन करके देखते हैं। ये इन्फिनिक्स का पहला स्टार्ट है जो हमने इसको भी ऑन किया है।
अच्छा, स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले इसमें आपके पास जिस तरह के सब जितनी भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके अंदर सेलेक्ट लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान। इंसर्ट सिम कार्ड, स्किप करेंगे, सिम हमने नहीं चलानी। तो यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे फ़ोन के अंदर क्या फ़ीचर्स हैं। मैं इस फ़ोन का बेसिकली एक बुनियादी तौर पे इसका जो रिव्यू आप लोगों को देना है वो यही देने की कोशिश करूँगा कि फ़ोन के अंदर जो क्या एक एंड यूज़र जो है रिव्यू इस पे आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। खैर, हम इसके अंदर आगे जाके देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मांग रहा है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 8 सेकेंड्स टू रीस्टार्ट द फ़ोन। द बिल्ट इन बैटरी इज़ नॉट रिमूवेबल। ओके, ये हमें इसकी बेसिकली स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस जो है उसके हवाले से बता रहा है कि अगर आप अपने फ़ोन को ऑफ करना चाहते हैं या कोई किसी किस्म की अर्जेंसी एमरजेंसी है तो आप इसकी बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते, आपको इसको पावर के बटन को होल्ड करके इसको ऑफ करना पड़ेगा। खैर, आगे चलते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस, ओवरऑल अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस प्राइस रेंज में, मैं यहाँ पे प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि 30,000 की प्राइस रेंज में पाकिस्तान में बिकने वाले फ़ोनों के अंदर सबसे अच्छा फ़ोन ये है। आपको पता है कि फिर चीज़ों के हवाले से जितना, वो एक पंजाबी की भी मिसाल है कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को, जो मैं इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ हैंडी करके, तो इसमें ये एक चीज़ आ रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। हम इसका वन बाय वन करके सारी चीज़ों का रिव्यू करेंगे। अच्छा, इस फ़ोन के अंदर जो मैं अब इसके फिंगरप्रिंट सेंसर से स्टार्ट कर लेता हूँ कि इस फ़ोन की जो सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक के हवाले से मैं आपको चीज़ें बताऊँ, तो इसमें जो है तीन किस्म की, बेसिकली दो किस्म की ही बायोमेट्रिक के हवाले से मैं बताऊँ, दो किस्म की ऑप्शन दी गई हैं इसमें। एक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी किस किस्म की लुक आ रही है। और सेकेंड पे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें फेस अनलॉक की ऑप्शन भी दी गई है। और जी हाँ, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें OXOS दिया गया है 10.0। और इसकी डिज़ाइन के वाले से अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ काइंड फ़ोन है इन्फिनिक्स की नोट सीरीज़ का, जिसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा, अब इस फ़ोन की जो है हम इस फ़ोन के डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं कि इस फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इस फ़ोन की मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज़ का ये एक वेरिएंट है 4GB वाला, जिसके अंदर 4GB रैम दी गई है और 128GB इसका रोम, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो दी गई है। इसके अलावा हम इसके अंदर प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसके अंदर मीडिया टेक का हीलियो G88 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 30,000 के अंदर, अगेन मैं बोलूँगा कि एक बहुत ही अच्छी चॉइस है उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं लेकिन उनकी चॉइस एंड्रॉयड है, एप्पल को लाइक नहीं करते। तो आई थिंक सो कि ये फ़ोन जो है उस हवाले से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो हमेशा की तरह जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं उनके अंदर GPS, वाईफाई और ब्लूटूथ दी गई है। ये इसकी कनेक्टिविटी के बेसिकली आपको मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। नेटवर्क की बात करें तो ये 4G, 3G, 2G हमेशा की तरह जितने भी डिवाइसेस आपको पता है एंड्रॉयड की, जो इस टाइम मार्केट के अंदर पैनलाइज डिवाइसेस हैं सबके अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है।
और अगर इसकी स्क्रीन की हम बात करें तो 6.7 इंचेस का इसका डिस्प्ले है जो कि फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले है, वन ऑफ काइंड। एंड फर्दर मोर अगर हम आगे चले तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड 11 जो कि इन्फिनिक्स का अपना XOS 10.0 है। डिस्प्ले के हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मज़ीद इसके अब डिज़ाइन के हवाले से अगर मैं दोबारा भी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक ऑडियो जैक दिया गया है, टाइप सी केबल है और साथ में इसके ऊपर यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर ड्यूअल स्पीकर्स हैं, एक आपको स्पीकर यहाँ पे ऊपर मिल सकता है और सेकंड जो स्पीकर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर दो स्पीकर दिए गए हैं, एक स्पीकर आप यहाँ पे देख सकते हैं और सेकंड स्पीकर जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अच्छा, हम इसका ना एक ओवरव्यू करेंगे तमाम स्पेसिफिकेशंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कैमरास की। कैमरास के वाले से अगर हम बात करें तो 50 मेगापिक्सल का इसका 1.6 अपर्चर का वाइड अपर्चर कैमरा है जो इसमें दिया गया है, जो आप लोग इसको देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे जूम इन भी कर देता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर दो कैमरास और दिए गए हैं जिनको आप कैमरा सेंसर्स भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है 1.6 अपर्चर का। सेकंड जो है वो बोके कैमरा है, ठीक है, वो 2.4 अपर्चर का है। इसके अलावा जो थर्ड कैमरा इसमें दिया गया है उसकी कोई फर्दर डिटेल जो है वो नहीं बताई गई। इसके अलावा अगर हम आगे जाके बात करें तो इसके फर्स्ट के ऊपर हमें एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी फ्लैश लाइट के हवाले से अगर बात करें तो इसके फ्रंट के ऊपर ड्यूल LED दी गई है, जबकि बैक के ऊपर जैसे कि आप पहले भी देख सकते थे क्वाड LED दी गई है। मैंने भी इसके पाउच को इसके ऊपर इसको इसके पाउच के अंदर फिट किया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी कितनी एक मैटी और स्लीकी लुक है। या साथ की यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स का फिर भी लोगो मिल जाता है। इसके अलावा जी अगर हम बात करें तो इसके हम गेमिंग फीचर्स के वाले से बात कर सकते हैं कि मुझे खैर इतना खासा शौक तो नहीं है गेम्स का, स्पेशली मोबाइल पबजी वगैरह का, लेकिन फिर भी क्योंकि कस्टमर डिमांड है तो हम इसको बात कर लेते हैं। ये इसके ब्राइटनेस के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आगे जाके इसको डिस्क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, इसके अगर हम फर्दर फंक्शंस की बात करें तो हम इसके जो नोटिफिकेशंस का पैनल है उसको हम यहाँ से राइट साइड से नीचे स्लाइड करके शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मॉन्स्टर गेम किट दी गई है जो कि गेम मोड के नाम से इसको इनेबल करके आप अपनी गेम की परफॉर्मेंस को आई थिंक सो के बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कैमरास के हवाले से मैं बताऊं कि पिक्चर्स में क्योंकि वीडियो रात में पोस्ट कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग जो वीडियोस होंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो है इसके बाहर डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज़ ले के वीडियोज़ बना के भी आप लोगों को रिव्यू दे सकूँ। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी फीचर ऐड किए गए हैं। आपको पता है कि जब भी सैमसंग या इसके अलावा कोई भी जितनी ब्रांड्स हैं, शाओमी, टेक्नो, जब भी ये कोई ब्रांड फ़ोन लॉन्च करते हैं तो इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा जो है फीचर्स दिए होते हैं जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर यहाँ पे मौजूद है जिसको स्टार्ट करने से ऑब्वियसली ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक थेफ्ट अलर्ट है, वो अब पता नहीं किस तरह काम करता है। स्क्रीन लॉक इज़ रिक्वायर्ड टू इनेबल थेफ्ट अलर्ट। खैर, इसके हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो लाइव ट्रांसक्राइब इसमें दिया गया है जहाँ कि आप बोल के कुछ काम करता है कि नहीं करता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इट्स वर्किंग। इसके अलावा हम अगर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो हमें फ़ोन में मिलता है एक बड़ा ही ज़बरदस्त DTS सिनेमैटिक ड्यूल स्पीकर विद DTS, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक इसमें स्पीकर नीचे दिया गया है और एक स्पीकर जो है इसके बिल्कुल ऊपर दिया गया है। अच्छा, गेमर्स के लिए ना इसमें एक बड़ी स्पेशल पैकेजिंग दी गई है जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया कि इसमें 3D 6 लेयर की ग्रे फिल्म है। जी हाँ, बिल्कुल, जिसको ग्रेफाइट्स ब्लॉक के तहत जो है बनाया गया है, जिसकी वजह से इस फ़ोन को मैं समझता हूँ कि 30,000 के अंदर अगर आप बाय करते हैं तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, खसूसन वो लोग जो पबजी लवर हैं। और 30,000 में मैं नहीं समझता कि फ़ोन कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने अपने सेक्शन में पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आजकल तमाम लोग जो है जिसको डिमांड करते हैं वो है इसका इन्फिनिक्स का 33 वॉट का चार्जर जो इसमें दिया गया है, जो इसके साथ ही डब्बे में आता है और इसके ज़रिए आप अपने फ़ोन को बड़े ही अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको चार्जिंग पे टेस्ट किया था जिसमें ये अराउंड 80% होने तक तकरीबन अराउंड
आप कह सकते हैं कि 52-53 मिनट्स लगाता है, और 82 यानी कि 80-100% होने के लिए तकरीबन, यानी कि जो बाकी 20% है उसको तकरीबन इसने 25-26 मिनट्स लगाए। अच्छा, इसमें एक और फीचर है जो मैंने गौर भी किया है कि जिसको काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको अनबॉक्स किया, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने शायद बताया हो, लेकिन खैर मैं इसको मतलब बड़ा अच्छा फीचर समझता हूँ। इसमें एक मल्टी स्क्रीन कोलैबोरेशन भी दिया गया है, जो कि यहीं पे हम इसको चेक कर सकते हैं, यहीं पे अवेलेबल होगा, या इसको हम जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वो इसके अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन को आप डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं वायरलेसली अपनी स्मार्ट टीवी पे या किसी ऐसी डिवाइस में जिसके अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसमें ना एक फाइल कंप्रेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें 10% से 30% तक जो है अपनी फाइल कंप्रेशन कर सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें F2FS का जो है फाइल सिस्टम दिया गया है, जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से आप 10-30% जो है एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर जनरली इंस्टॉल कर सकते हैं। अलावा जी, इसके अंदर एंड्रॉयड 11 को दिया गया है, जो कि आपको पता है कि गूगल की प्रोडक्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात करें तो इसमें XOS 10.0 दिया गया है, जो कि इनफिनिक्स की अपनी एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसका मजीद जो है वो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर, क्योंकि ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग थी तो मैंने इसके अंदर जितना भी हो सकता था क्लियर करने की कोशिश की है। फदर मोर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग आएंगी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतरी के इम्कानात हैं। आप लोगों ने वीडियो वॉच की, मैंने फ़ोन को अनबॉक्स किया, मैक्सिमम जितने फीचर्स रिवील कर सकता था मैंने वीडियो में किए, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी फ़ोन को अनबॉक्स करने का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी इस कोशिश को सराहा होगा और इस वीडियो को आपने शेयर भी किया होगा काफ़ी दोस्तों से। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जिस तरह हम अनबॉक्सिंग्स करते जाएंगे, और मेरी कोशिश है कि जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊँ उसमें बकायदा तौर पे पॉइंट टू पॉइंट जो है वो किसी भी फ़ोन की जो रिव्यू करने की एक प्रोफेशनल मतलब चीज़ होती है उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँ। और आई होप यू पीपल लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर नए आ चुके हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और अपनी दुआ में याद रखें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड दिस इज़ फ़ज़ान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।